हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे पबजी पे परमानेंटली बैन लग चुका है, आपने वीडियो देखी होगी, न्यूज़ में भी आ गया और काफ़ी ट्वीट्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, यूट्यूब पे भी वीडियो काफ़ी डल रही है। तो इसका क्या सीन है मैं पूरा बताऊँगा, बने रही वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बात करते हैं। फर्स्ट, जो पबजी अनबैन हो रहा है, जो लोग खुश हो रहे थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिप्लाई आया है कि इतना खुश मत हो, अभी पबजी परमानेंटली अनबैन नहीं हुआ है या अनबैन नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से लगता है कि जियो और पबजी की मेरे ख्याल से डील बनी नहीं, और कहता है कि टेंसेंट कंपनी हट जाएगी तो भी और इशू है, ऐसा कुछ आया न्यूज़ में। तो आई थिंक, मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू आना चाहिए था, क्योंकि पबजी अलग ही है, साउथ कोरिया का है। और जैसे कि कोई भी अपडेट आता है तो मैं पक्का बताऊंगा। और कुछ लोग पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी को कंपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ इनको मत कीजिए कंपेयर। पबजी एक अलग गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी एक अलग गेम है, फ्री फायर तो है ही 400-500 MB का, तो इनको कंपेयर मत कीजिए। और जो कि आपको मैंने लास्ट वीडियो दी थी, लास्ट मैंने इसमें बताया था कि पबजी बैन हट जाएगा, जियो पार्टनरशिप कर रहा है, न्यूज़ यही चल रही थी, इसलिए मैंने आपको उसमें यही बताया। पर आई थिंक अब मेरे को नहीं लगता कि बैन हटेगा। और साथ में उससे पिछली लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने ये बोला था कि 4G नाम का गेम आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि खरीदेंगे, मेरे को नहीं लगता था कि रिक्स लेंगे जियो वाले। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।